बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राहत कयूम है। मैं बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हूं और साथ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। मुझे बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल में काम करते हुए अभी 6 से 8 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैं इंग्लैंड में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट के फराइज सर अंजाम दे रहा था। बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इज़ वेरी वेरी प्राउड कि जी हमारा एक जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है वो बड़ा एक रोबस्ट और एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। उसमें लिवर ट्रांसप्लांट भी एक उसी का जो है। लिवर ट्रांसप्लांट के अंदर मेरा रोल पहले तो प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट में होता है कि जी मरीज के, क्योंकि जेहन में रखने की ज़रूरत है कि 2 ऑर्गन्स हैं जो कि फासिद मवाद का ख्याल रखते हैं। पहला जिगर है और दूसरा गुर्दे हैं। अगर जिगर फेल हो जाए तो टोटली पेशेंट डिपेंडेंट अपने गुर्दे पे ही होता है। तो प्री ट्रांसप्लांट असेसमेंट के अंदर मुझे ये फैसला करना पड़ता है कि जो मरीज मेरे सामने आया है उसके गुर्दे का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करे तो उसको मैं पहले सॉल्व करूँ और फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए मूव करें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे उस टाइम पर नज़र आए कि जी नहीं, ये ऐसा गुर्दे का प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकता, तो एक्चुअली इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत हम उसको प्रायोरिटी पर लिवर ट्रांसप्लांट उसका कर देते हैं। और ये होटा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एजेंसी है उसकी भी यही गाइडलाइंस है कि अगर रीनल की इन्वॉल्वमेंट साथ हो, किडनी की इन्वॉल्वमेंट विद लिवर, तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। सेकंड पार्ट मेरा लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में ये होता है कि जब एक दफ़ा ट्रांसप्लांट सर्जरी हो जाए उसके बाद साथ गुर्दे की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके साथ कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से किडनी पर अगर कोई इफेक्ट आए तो मेरी उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है उसकी बेहतरीन वजह यह है कि बिकॉज हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं लाइक लिवर डायलिसिस विच इज स्पैड सिंगल पास एल्ब्यूमिन डायलिसिस और CRRT की फैसिलिटी मौजूद है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बेहतर केयर एज अपोज टू डिफरेंट यूनिट्स कर सकते हैं। जहाँ तक बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो लिवर का है उसकी सक्सेस रेट का ताल्लुक है, तो वो एब्सोल्युटली वेस्ट के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के अंदर या सक्सेस रेट को मैच करता है। जो फैसिलिटीज़ आपको बाहर मैसर होती हैं वो सारी की सारी इधर मैसर हैं। एज फार एज़ कोई मैसेज लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हो तो वो पहली बात तो ये है कि डोनेशन इज़ सेफ। तो जो बंदा जिगर का या गुर्दे का भी दे रहा होता है उसकी असेसमेंट पूरी करते हैं। अगर कल को हमें ये भी प्रॉब्लम लगे कि इनको कल को कोई इशू, बेशक 10 साल बाद ही क्यों ना हो, तो हम उसको फिर डोनेशन से उस टाइम पर डिस्करेज करते हैं। लेकिन ये है कि जब वंस वी से कि जी ये पेशेंट सेफली डोनेट कर सकता है तो इंशाल्लाह उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो डू डोनेट, ये एक बहुत बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए कि अब लिवर ट्रांसप्लांट एक रेगुलरली पाकिस्तान में हो रहा है। आज से 10 से 15 साल पहले ये फैसिलिटी इधर नहीं थी, तो लोगों को इंडिया जाना पड़ता था, चाइना जाना पड़ता था, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स लोग जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है और बैरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल एक गोल्ड स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के तौर पे उभर के सामने आया है। थैंक यू सो मच।